तो क्या मैडम, क्या आज बैठक में क्या होगा? बिल्कुल देंगे। अगर गौर नहीं की गई तो मैं क्यों, हम सभी मेंबर्स देंगे। हम इससे ज्यादा सह नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा कार्य आज बैठक में जो है वो मेन था कि रोड्स को लेके जो है वो बैठक की गई थी कि कुछ ऐसे हमारे क्षेत्र हैं जैसे कि हमारी पंचायत अठियालता है, हमारी थैं वाली साइड चले जाओ काटी कसोरी है, डुमार का एरिया है जिसको अनदेखा किया जा रहा है, उसमें इशू आ जाता है कि वो फॉरेस्ट की लैंड है, वहाँ पे जो रोड है वो नहीं बन पाएंगे जबकि वहाँ पे भी लोग रहते हैं। अभी डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि फॉरेस्ट में जो है वो क्लियरेंस लेना पड़ती है, NOC है वो मिलेगी, रोड वहाँ पे जो है वो ज़रूर बनेंगे। बट हम ये देख रहे हैं कि जब से हम बने हैं 2.5 साल से उनको अनदेखा किया जा रहा है, हम नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पे भी लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों से लोग जो हैं वो माइग्रेट होके शहरों की तरफ आ रहे हैं। वो किस वजह से आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी जो है वो नहीं है। अब हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो है वो रोड जो है वो जल्दी से जल्दी बनेंगे। हाँ, वो मैंने ज़रूर बोला कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी बात नहीं सुनेगी, हमें जनता ने यहाँ भेजा है, अगर जनता के लिए हमें, मैंने इसलिए बोला कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो जनता की सुनवाई क्या होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हमने यही रखा है कि आज के बाद आप जो भी प्लान बनाएंगे वो हमसे पूछ के बनाएंगे, हमारी मर्जी से बनाएंगे, जो हमारी जनता चाहती है वो प्लान बनेगा, ना कि आप कुर्सी पे बैठ के अपनी मर्जी से बनाएंगे। जो प्लान है वो चेयरमैन साहब अपनी मर्जी से बनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे कैपेक्स का है वो हम बनाते हैं, बट कुछ ऐसे प्लान है जैसे स्टेट के हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, अलग अलग प्लान आते हैं, उसमें भी काफी सारी फंडिंग आती है, उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुद ही बना रही थी जिसमें हम सभी मेंबर्स को जो वो अनदेखा किया जा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमारे हेड हैं, हम उनसे नाराज क्यों होंगे, वो भी डिस्ट्रिक्ट का ही भला चाहते हैं और हम भी वही चाहते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था कि जो डिपार्टमेंट है वो हमसे क्यों नहीं पूछते हैं, मेंबर से, वो पर्टिकुलर एक से पूछ रही हैं, दो से पूछ रही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी अपना अपना चुनाव जो वो जीत के आए हैं, अपने अपने इलाके से आए हैं, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि सबको जो वो इक्वल शेयर मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी मांगों पर गौर नहीं किया तो आप इस्तीफा दे सकते? बिल्कुल देंगे। अगर गौर नहीं की गई तो मैं क्यों, हम सभी मेंबर्स देंगे। चेयरमैन सर ने बोला है कि सभी को इन फ्यूचर जो है वो इक्वल शेयर मिलेगा, जितने भी ब्लॉक हैं, सभी जितने भी DDC मेंबर्स हैं, अगर किसी का 1 करोड़ का प्लान जाता है तो दूसरे का भी वही जाएगा।